हाँ तो अफगानिस्तान वालों सूजी है। ये वही नसीम शाह 2021 वाला बम बना लिए है, इसको बड़े उछल रहे थे कि हमारा गुरबाज चल गया, इब्राहिम चल गया। भाई नसीम शाह तुम्हारे 150 रन किसी काम के नहीं बचे हैं, हमारे नसीम शाह के 2 चौके ओए 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 सुझा के रख दी इंडिया की और अफगानिस्तान वालों की। यार किंग बाबर आजम की पार्टनरशिप जबरदस्त रही, और एक बार फिर से गद्दारों तुम गद्दारी करते हो, नमक हरामी करते हो, और तुम्हारे साथ कुदरत वाला सीन कर जाता है, है? आखिरी ओवर की पहली गेंद देखी फजल अक फारूकी ने, जो कि चीटिंग करके इसको शादाब खान को आउट कर दिया है, लेकिन जो है ना फजल अक फारूकी ये भूल चुका था कि उसका बाप सामने खड़ा था 2021 वाला। अब 2021 में क्या सीन हुआ था, 2021 में आखिरी ओवर था 11 रन थे, इस मैच में भी आखिरी ओवर था 11 रन थे, 2021 में फजल अक फारूकी बॉलर था, इस मैच में भी फजल अक फारूकी बॉलर था, और 2021 में सामने नसीम शाह था, आज भी सामने नसीम शाह था, उसमें 2 छक्के लगे थे, इसमें 2 चौके लगे। तो फिलहाल तो नसीम शाह भाई अफगानिस्तान का और जो है फजल अक फारूकी का बाप बन चुका है, तो वेलकम नसीम शाह, आई लव यू नसीम शाह। आज जो है ना इंडिया वालों को नींद आएगी, ना अफगानिस्तान वालों को नींद आएगी, और ना आज हमें नींद आएगी, यकीन करोगे? कसम उठा के कह रहा हूँ, मुझे उम्मीद थी पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि जो लास्ट ओवर में मैच जा रहा था ना, मैं पहले ही जब 8 बॉलों पे 21-22 रन की जरूरत थी, मैं पहले ही जो ना सोच रहा था कि छक्का और चौका लग जाए, और वही हुआ। तो बाकी बातें सारी कल करेंगे, लेकिन आज मेरे पास जगह नहीं है वीडियो बनाने की, सही है ना, तो मैं जल्दी जल्दी में वीडियो बना दूं। लेकिन अफगानिस्तान की आज ऐसी ठुकाई हुई है, ऐसी ठुकाई हुई है, वो 2019 इमाद वसीम, 2018 शोएब मलिक, 2012 शाहिद आफरीदी, 2014 में उमर अकमल, 2021 में आसिफ अली, 2022 में अपना नसीम शाह, उसके बाद फिर पहले वनडे में कौन था, हारिस रऊफ, और आज यार नसीम शाह और शादाब खान। आज अफगानिस्तान ने 2 बाप बना लिए, नसीम शाह और शादाब खान, शादाब खान कम नसीम शाह ज़्यादा, क्योंकि नसीम शाह 2022 वाले हैं, सेम वाले। तो अफगानिस्तान वालों सूजी है, चीटिंग करते हो मतलब हमेशा नमक हरामी, कभी तो नमक हलाली कर लिया करो, कभी तो गद्दारी नहीं करो, हके लाल से इज्जत से कभी काम लो। आखिरी ओवर की पहली गेंद पे जो तुम लोगों ने हरकत की फजल अक फारूकी ने, वो उस हरकत का नतीजा फजल अक फारूकी को मिला है, और पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान ने ये मैच अफगानिस्तान को 1 विकेट से जो है पेल के रख दिया है। आज अफगानिस्तान की बैटिंग थोड़ी चल गई पाकिस्तानी बॉलरों के खिलाफ, क्योंकि पिच ऐसा था, तो बैटिंग हमारी भी बुरी नहीं थी। किंग बाबर आजम ने 50 रन बनाए, इमाम उल हक अपनी गलती पे आउट हुए, इमाम उल हक ने रिजवान को गलती पे आउट करवाया, इसीलिए थोड़ा मैच एंड में फंस गया। लेकिन अफगानिस्तान वाले वही बेवकूफ़, आखिरी के 4 ओवर फास्ट के रखवा दिए, स्पिन के जल्दी ओवर ख़त्म करवा दिए, अगर स्पिनर के ओवर एंड तक चलते तो ये मैच अफगानिस्तान जीत सकता था। लेकिन अफगानिस्तान रहे चूतिए लोग, बेवकूफ लोग, कहाँ उनको पता है कि क्रिकेट कैसे होती है कैसे नहीं होती है। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी कल वीडियो होगी इंशाल्लाह, कल ठुकाई करेंगे अफगानिस्तान की सही बैठकर अपनी गाड़ी में। अल्लाह हाफिज़।